हेलो गाइस, तो आज कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग इनके साथ, यानी कि इंटरेस्टिंग इनके साथ ही होगा जो भी होगा, और व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप भी इंजॉय करेंगे। जो एक्चुअली ये चीज़ चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ आज हम क्या करने वाले हैं। हम नहीं, मैं करूँगी इनके ऊपर, और ये इस तरह से बैठ गए, हमारी एक तरह से क्लाइंट है। चलो मजाक हो गया, मैंने इनको बुलाया है। और कैसा लग रहा है आपको अभी आके? कुछ नहीं लग रहा कि लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ये एक्साइटेड हैं थोड़े कि क्या होगा कैसे होगा। ओहो, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, मेंस के लिए ना एक बार इनके, दो बार इनके किया हुआ है। एक बार मैंने सिंपल सामान से किया था, एक बार मैंने किट से कर दिया था, पूरा जो फेशियल किट होती, बट उनको सूट नहीं करा। जरूरी नहीं, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि हर किसी को सूट करे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना सिंपल वे, जितना घर की चीज़ें और एक दो सामान जो होती हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं, समटाइम्स है वीकली या वीक टू वीक्स में, तो वो सारा सामान मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, और फिर इन्हें लिटाते हैं और करना शुरू करते हैं इनकी पैम्परिंग। ये है हमारे पास एलोवेरा जेल, ठीक है, ये आपको ऐसे दिखाते जाएंगे एक एक करके। और ये है गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर, आप देखते रहिएगा, और फिर हम जब यूज़ करेंगे आपको एक बार और दिखाएंगे कब और कैसे यूज़ करना है। ये है हमारे पास नेविया सॉफ्ट फेस क्रीम, और ये है हमारे पास बायोटिक का पपाया स्क्रब। ओहो, ऑल टाइप स्क्रीम है, ऑल टाइप स्क्रीन। और ये है हमारे पास कैप्सूल, ई कैप्सूल विटामिन ई का। और ये है हमारे पास एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी, जो घर बहुत ही सबसे बेस्ट चीज़ है। और कुछ दिखाना चाहेंगे? और ये हम साइड में ऑन करके रखेंगे जिससे आप और इन मज़े लेंगे कि भाई जीश आ गया। और इसमें मैंने एक टॉवल रख रखा, और ये है वाटर डिप करके रखा है, क्लीन करना है मुझे इनका फेस। तो चलो जी, किससे बुलाते हैं? अरवन प्रो से। अरवन प्रो बताओ, अरवन कंपनी, हाँ, अरवन क्लब जो भी है, पता नहीं, छोड़ो ना ये सब चीजें। पिछली बार के एक्सपेरिमेंट में मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे दाने इन्होंने यूज करी थी VLCC हाँ की पूरी, तो इनको सूट नहीं करा। हाँ, मेरे को सूट नहीं करा और दाने बहुत निकले उससे। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान से यूज करिए। हाँ, मतलब मेंस को हो सकता है कुछ चीजें यूज मतलब नहीं सूट करती, तो जितना हो उतना सिंपल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके फेस मसाज। मेरे हाथ में है कॉटन और गुलाबरी यानी कि रोज़ वाटर, इससे हम इनकी गंदगी साफ़ करेंगे इनके चेहरे की। और आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं साफ़ कर रही हूँ उनके पूरे नाक के आसपास, आईब्रो के आसपास, आईज़ के आसपास, पूरा गाल चमका रही हूँ। इस तरह से हमें अच्छे से क्लीन इसलिए भी करना है जिससे कि जो भी डस्ट होगी वो क्लीन हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते जाइए कंटिन्यू, इस तरह से इसलिए भी हम साफ़ करते हैं जिससे कि जो एक होता है ना डेड स्किन जो होती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है, फिर उसके बाद जब हम क्लींजिंग करेंगे तो बेहतर होगा। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ नीविया की सॉफ्ट क्रीम, इससे मैं प्रॉपर क्लींजिंग, एक तरह से ये मान लीजिए क्लींजिंग का काम करती है, इसलिए इसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बहुत हार्ड हाथों से, बहुत सॉफ्ट हाथों से करना है। और आप जो मेरी स्पीड देख रहे हैं इसके हाथों में, इस पर मत जाइएगा प्लीज़, ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। आप इस बस इसको एंजॉय करिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बताना था कि मैंने ये छोटी छोटी सी चीज़ें यूज़ करी हैं। इस तरह से इसको मसाज करते रहेंगे धीरे, हेड पे, चिक पे, नोज़ पे, और हो सके तो राउंड राउंड करें, टिप को भी यूज़ करना जिससे अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके, अच्छे से मसाज हो सके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको अब्जॉर्ब कर दिया है क्रीम को। तो आप देखते जाइए किस तरह से ऐसे हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ, फिंगर का भी यूज़ कर रही हूँ, टिप का भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो बेहतर होगा, कोशिश करें कि उसके अब्जॉर्ब कर लें उस क्रीम को। और अब मैंने क्या किया है कि एक कपड़ा लिया है, उससे अच्छे से गीले से साफ़ कर दिया। बायोटिक का मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, जो ऑल टाइप स्किन है आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब तो आप सबको करना आता होगा कि कैसे करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एक आध वीडियो देखिए लोगों की और अच्छे से मसाज कर लीजिए, ठीक है। हल्के हाथों से ही करना, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से रब नहीं करना होता है, वरना क्या होता है ना, छिल जाती है स्किन, कितनी सॉफ्ट स्किन होती है, इसलिए आराम से करो। अब गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जिससे कि स्क्रब जो पोर्स खुल जाते हैं, इसलिए मुल्तानी मिट्टी यूज़ करिए। अब इनको लाइट ऑफ करके, इन्हें आराम करने के लिए फेस वॉश क्लीन करके बाद अब हम लगा रहे हैं ईवियन का कैप्सूल और अपना इस वो पतंजलि का स्क्रब, सॉरी स्क्रब नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एलोवेरा जेल, इसको पेस्ट बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक मॉइस्चराइज़र का यूज़ होगा।
डायरेक्ट कुछ भी ना लगाएं, एलोवेरा जेल या एवियन ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, डन। हाउ यू फील राइट नाउ? चेहरा तो देख लो इनका, अच्छा मंग गया। सही है, बेहतरीन है, मोतियों जैसी चमक। चमक तो है मोतियों जैसी। अब लेकिन इनके ना अभी बैक मसाज और हेड मसाज रह गया, तो क्या कहना है आपका? नेक्स्ट टाइम या इसी टाइम? यू टेल। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हेड मसाज की वीडियो। हाँ, बैक एंड हेड फुल स्पा वीडियो चलेगी सीरीज। हाँ, ठीक है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर, और मजा आया हो देख के। जीश आ, मेरा तो जीश आ गया यार, मेरे भी कोई कर दे। मैं कर दूं इनसे। दंबल वाले हाथों से चुभेंगे ये बहुत हार्ड हो जाती है। हाँ चलो जी, मिलते हैं फिर। नींद आ रही है।